नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर की थाना गंगो पुलिस व अभिसूचना विंग की संयुक्त टीम ने गंगो क्षेत्र में अवनीश उर्फ सोनू की फिरौती हेतु अपहरण कर हत्या करने वाले 6 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों में दीक्षित पुत्र प्रमोद, अमरीश पुत्र साधुराम, राहुल उर्फ इमरान पुत्र इकबाल, सचिन नेव पुत्र विजय, अरुण पुत्र प्रमोद व नीटू पुत्र वेद प्रकाश शामिल हैं, जिनके पास से 3 अवैध तमंचे 315 बोर, 6 जिंदा कारतूस, 1 अवैध तमंचा 12 बोर, 2 जिंदा कारतूस, अपहरणकर्ता के 2 फोटो, आधार कार्ड की 6 प्रति, पीएनबी की पासबुक, चैन कड़ा, विभिन्न कंपनियों के 6 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त की गई स्कॉर्पियो गाड़ी व 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। लगातार दोनों टीमें काम करी के कल जो है 6 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है और उसमें जो सोनू उर्फ अवनीश का दोस्त है दीक्षित गुजर, इनके द्वारा सोनू को 26 तारीख को ही किसी बहाने बुला के उनके दोस्तों के साथ मिलके हत्या कर दी गई है। हत्या करने के बाद गागलेडी के जंगल में शव को छुपाया गया है। उसके बाद मृतक का ही मोबाइल के माध्यम से अपने परिवार वालों से फिरौती के लिए मांग की गई, 20 लाख की डिमांड किया गया है। इसी के आधार पर नगर निगम के एक पार्षद द्वारा निगम के कर्मचारी के साथ की गई गाली गलौज व अभद्र व्यवहार के विरोध में आज नगर निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल कर नगर निगम में प्रदर्शन कर धरना दिया। इस दौरान धरने को संबोधित करते हुए सोनी आजाद ने कहा कि पार्षदों की गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी, जिसको लेकर हाईकमान से बात की जाएगी और उसकी पार्षदी खत्म करने के लिए महापौर व शासन से शिकायत भी की जाएगी। आज क्या घटना? ये जो घटना हुई है, हमारे नगर निगम में एक सुपरवाइजर हैं सतीश आदिवाल जी, और वो ट्रैक्टर गैराज में, उनके पास एक पार्षद का फ़ोन आया कि भाई मेरे यहाँ वार्ड में ट्रॉली जानी है। तो उन्होंने कहा भाई मुझे जो है इस चीज़ की जो है चीफ साहब ने कोई मतलब मेरे नॉलेज में नहीं डाला, मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। तो इस चीज़ को लेके पार्षद ने उनसे बहुत ज़बरदस्त अभद्रता की, गाली गलौज की और गंदी भद्दी गालियां देकर उन्होंने जो है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्होंने हत्या करने तक का भी उन्होंने उनको तड़ी दी थी। तो उस चीज़ को लेकर जो कर्मचारियों में जो रोष है, उससे पहले भी उन्होंने जो है यहाँ के एक्शन के साथ भी बदतमीजी की थी, उनकी फाइलें वाइलें फेंक दी थी, उनके गिरवान पकड़ लिया था, इससे पहले सैनिटरी इंस्पेक्टर के साथ भी बदतमीजी की थी। इन सभी घटनाओं को लेकर कर्मचारियों में बहुत उबाल था। आज पूरा नगर निगम और समस्त सफाई कर्मचारी इस चीज़ को लेकर हड़ताल पर हैं और मुकदमे की और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सहारनपुर पुलिस लाइन में आज यातायात नवम्बर माह 2019 का शुभारम्भ किया गया, जिसका उद्घाटन SSP दिनेश कुमार, SP देहात विद्यासागर मिश्र, SP सिटी विनीत भटनागर, SP ट्रैफिक अपर्णा गुप्ता, CO दित्य मुकेश मिश्रा, यातायात प्रभारी पवन तोमर, सुरेंद्र चौहान, सुधीर जोशी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए SSP दिनेश कुमार ने सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। आज 1 नवंबर से पूरा महीना ट्रैफिक जागरूकता माह के रूप में सरकार और DGP ऑफिस के द्वारा घोषित किया गया है। ये हर साल हम लोग इस पूरा महीने में ट्रैफिक जागरूकता के लिए काम करते हैं। तमाम स्कूल कॉलेजेस और ऑफिस में भी जाते हैं हमारे ट्रैफिक जवान, हमारे TI और हमारे जो SP ट्रैफिक के नेतृत्व में ये हुआ, ये हर साल होता है और इस साल भी पिछले सालों की तरह ये यहाँ पे स्कूल्स की मीटिंग लिया गया है, कुछ बच्चों को बुलाया गया है और उनके माध्यम से पब्लिक के बीच में मैसेज देना चाहते हैं कि हेलमेट लगाएं, 3 सवारी ना जाएं और ट्रैफिक नियमों को अक्सर सा पालन करें, क्योंकि जितना जो घटनाओं से, जो क्राइम से जितने लोग मरते हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा एक्सीडेंट से लोग की जान जाने जाते हैं।
सहारनपुर में चल रहे स्वच्छ भारत अभियान के श्रृंखला के अंतर्गत आज स्पीक मैके एवं जिला प्रशासन सहारनपुर के संयुक्त तत्वावधान में पद्म विभूषण पंडित राजन साजन मिश्रा द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन का कार्यक्रम का आयोजन जनमंच सभागार में किया गया। गुरु राजन मिश्रा ने कहा कि शास्त्रीय संगीत केवल मनोरंजन के लिए नहीं, यह पूजा है। उन्होंने बच्चों को शास्त्रीय संगीत को सुनाने का तरीका बताते हुए रागों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी और कहा कि संगीत सबके मन में बसता है। इस दौरान कार्यक्रम में मंडलायुक्त संजय कुमार, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह सहित भारी संख्या में स्कूली बच्चे मौजूद रहे। कोऑर्डिनेटर हूँ। आज का कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। पद्म विभूषण पंडित राजन साजन मिश्रा जी, जो एक जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय हस्ती हैं, आज हमारे बीच हैं और यहाँ लगभग 40 विद्यालयों से, अलग अलग विद्यालयों से बच्चे आए हुए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को स्वच्छता के साथ साथ शास्त्रीय संगीत के बारे में जानकारी देना है। गुरु जी ने बहुत ही सधे हुए तरीके से सभी बच्चों को बताया कि संगीत आनंद देने के लिए होता है और शास्त्रीय संगीत सभी के धरोहर है, वो समझना चाहिए और सुनना चाहिए। और बच्चों ने इस चीज़ को जाना तो बहुत सुंदर ही बैरागी राग बैरागी भैरव के अंदर उन्होंने प्रस्तुति शुरू कर दी है और बच्चे आनंद ले रहे हैं। और यह कार्यक्रम की श्रृंखला पूरा नवंबर दिसंबर तक चलेगी, जिसमें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय हस्तियाँ इसमें पार्टिसिपेट करेंगी अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, ना केवल बच्चों को संगीत का। सहारनपुर की न्यूज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।